हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज. आई एम एडवोकेट वनिता. आई एम प्रेजेंटिंग हियर अगेन विद अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू जजमेंट्स. लास्ट जो मेरा एक वीडियो था जो मैंने लेटेस्ट जजमेंट जो मेंटेनेंस के ऊपर डाला था, लेकिन एग्जाम में कई बार 2017, 18, 19 के भी जजमेंट पूछ लिए जाते हैं, तो मुझे लगा कि उसको भी मुझे कंटिन्यू करना चाहिए. तो हम 2017 के तकरीबन 15-20 जजमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. और चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जजमेंट है इसमें, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट. ये वैसे नॉर्मली सभी को ही पता है, हालांकि राइट टू प्राइवेसी जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है. इसको बार बार अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू आगे लाया गया और इसके कंसेप्ट को बढ़ाया गया है. अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं तो पहले किसी प्रकार का कंसेप्ट न होने की वजह से जजेस की अलग अलग ओपिनियन थी, लेकिन एक लैंडमार्क केस आया 2017 में. जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी, रिटायर्ड जस्टिस थे ये, उनकी तरफ से ये केस आया. उस केस में क्या हुआ कि एक्चुअली आधार कार्ड से रिलेटेड जो कुछ मैटर था उसको इसमें लाया गया था कि आधार कार्ड जो है वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू प्राइवेसी का हनन करता है. तो उसमें राइट टू प्राइवेसी जो आधार एक्ट था उसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इस केस में कुछ नई बातें निकल के आई जो जज कोर्ट में जो डिस्कस की गई थी. उसका मेन क्रक्स क्या है वो मैं आज आपको इसमें बता देती हूँ कि ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. बस ये माइंड में रखना है कि जस्टिस केस पुट्टा स्वामी का केस किस कंसेप्ट से रिलेटेड था, कौन से ईयर में आया था और इसमें बेसिकली क्या कंसेप्ट आया था. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इसमें 9 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, और उसने डिक्लेयर किया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है. इन एन अनएनिमियस डिसीजन, अनएनिमियस का मतलब है कि किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होने के कारण बेंच ने ये बात हेल्ड कर दी कि राइट टू जो प्राइवेसी है वो इंट्रिंसिक राइट पार्ट है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत क्या है कि अपनी जड़ों में एंटर किया हुआ एक ऐसा पार्ट है दैट एनवी सेज अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील किया गया है. जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की. तो इसमें वही बात की गई कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को ये कहीं ना कहीं उसमें ये ऐड किया गया. इस केस ने 2 केसेस को ओवररूल किया, ये भी इम्पोर्टेंट है. एमपी शर्मा और खरग सिंह का जो केस है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं थोड़ा सा इसका जो क्रैक्स आपको बता देती हूँ. एमपी शर्मा वर्सेस तीश चंद्रा के केस में क्या हुआ था कि इसमें फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग जो सर्च और सीजर होता है डॉक्यूमेंट्स की, उसके रिगार्डिंग कोर्ट में मैटर गया था और इसमें कोर्ट ने व्यू लिया था कि द कोर्ट टुक फंडामेंटल राइट एज इट इज, कि ये जो है डिड नॉट रीड राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट के साथ आप इसे रीड नहीं करोगे, इसमें ये बात कही गई थी. लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये उस राइट का हनन भी कर रहा है कि हर एक इंसान को प्राइवेसी का राइट है. लेकिन जब मान लो किसी डॉक्यूमेंट के सर्च सीजर की बात आती है तो उसमें राइट टू प्राइवेसी को अगर हम देखेंगे तो कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर ही नहीं आएगा. तो इस केस में ये बात कही गई कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसको आप फंडामेंटल राइट के साथ रीड नहीं करोगे. तो इस लाइन को आप नोट कर लीजिए. इट स्टेटेड दैट इट रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज राइट अगेंस्ट द सर्च और सीजर, जो राइट है उसके ये रिफ्यूज करता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता कि सर्च सीजर डॉक्यूमेंट के मैटर में आप इसे नहीं लेके आओगे. और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने ऐसा कुछ भी इसे नहीं दिया था. अब मैं खड़ग सिंह और यूपी के केस में बताती हूँ क्या है. ये 1962 का केस है और ये एमपी शर्मा का केस 1954 का केस है. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई बार राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि कौन सा केस किससे रिलेटेड है. तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए लैंडमार्क केसेज है जो हमारे माइंड में, क्योंकि लैंडमार्क ऐसे केसेज होते हैं जो आज से 50 साल पहले भी आए हैं तभी भी उनकी वैल्यू होती है. तो ये लैंडमार्क केसेज इसलिए मैं इनके साथ आपको कंटिन्यू कर रही हूँ. हालांकि ये जो हमारी सीरीज है इम्पोर्टेंट जजमेंट ऑफ 2017 की है, लेकिन ये बताना भी बहुत इम्पोर्टेंट था. और मैं कोई भी नॉलेज आपको देती हूँ वो पूरी ही करवाती हूँ, कोई भी अधूरा उसको नहीं छोड़ती. तो इसीलिए मैंने ये 3 केसेस इसके साथ और ऐड किए हैं. खड़ग सिंह का केस जो यूपी का था, इसमें मेजोरिटी ओपिनियन ये था कि राइट टू प्राइवेसी जो है गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है कि गारंटीड नहीं है, नॉट गारंटीड, गारंटी नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपका एक अधिकार है
एंड देयर फॉर द अटेम्प्ट टू असर्टेन द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. इसमें क्या था, खड़ग सिंह को बंदी बना लिया गया था, नजर बंद कर दिया था घर के अंदर, और इसने कोर्ट में पेटिशन डाली कि उसके राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है. तो कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का राइट नहीं दिया गया है. इसमें क्या है कि अगर आपने मूवमेंट करना है कहीं, ये डिसाइड नहीं करता कि आप जो है कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है. तो ये बात इसमें कही गई थी. तो जो केस पुट्टास्वामी का जो केस था, उसमें एमपी शर्मा और खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस को ही ओवरऑल किया गया था. लेकिन एक और लैंडमार्क जजमेंट है इससे रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताती हूँ. वो है गोविंद वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इस केस में क्या था, वेयर द कोर्ट स्टेटेड, कोर्ट ने ये बात मानी कि राइट टू प्राइवेसी जो मस्ट एनकंपास एंड प्रोटेक्ट द पर्सनल इंटीमेसीज. पर्सनल इंटीमेसीज का मतलब है जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होते हैं, अपने घर में होते हैं, तो उस प्रकार का जो रिलेशन है वो प्राइवेसी में काउंट होगा. फैमिली किस प्रकार से लाइफ जी रही है, फैमिली का क्या रिलेशन है, वो राइट टू प्राइवेसी में काउंट होगा. मैरिज है, किसी ने शादी करी है, किससे करी है, जब तक कोर्ट में चैलेंज ना हो तब तक वो राइट टू प्राइवेसी है. मदरहुड है कि कौन बच्चा किसको अडॉप्ट किया है या किसको उसने डिलीवर किया है, वो भी राइट टू प्राइवेसी है. प्रोक्रेशन एंड चाइल्ड्रन की कितने बच्चे किसी ने करने हैं कितने नहीं करने, वो भी राइट टू प्राइवेसी का राइट है. एंड इट्स सब्जेक्ट इज रिस्ट्रिक्शन. ये सिर्फ तभी रिस्ट्रिक्शन इसमें लगाई गई थी गोविंद के केस में, जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आएगी तो उसके अंदर जो है इसके ऊपर एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था. तो ये तो था हमारा मेन क्रक्स राइट टू प्राइवेसी का. आई होप आपने ये जो जजमेंट है ये एंजॉय की होगी. अगर आपको आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको उससे संबंधित सूचना मिल जाएगी. और आप अपना जो है संभाल भी रखिए, हेल्थ का इश्यू बिगड़ने मत दीजिए, क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं तो मोस्टली हेल्थ का इश्यू आता ही है. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.